लेट्स डिस्कस यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अब देखिए, रेडियो एक्टिविटी को हम लोग क्यूरी, उसके बाद रदरफोर्ड और बैक्विरल, ऐसे अलग अलग यूनिट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखे कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज क्यूरी, जिसे हम CI ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, विच इज डिफाइंड, विच इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनी रेडियो एक्टिव मटेरियल विच गिव्स 3.7 × 10^10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, इसे बोला जाता है क्यूरी। सो यहां हमें क्या पता चलता है, दस वन क्यूरी इज इक्वल टू व्हाट, एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ रेडियम 226 एंड विच इज जस्ट इक्वल टू व्हाट, 3.7 × 10^10 डीपीएस, दैट इज डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड। अब मिली क्यूरी एंड माइक्रो क्यूरी जो है, 2 × 10^-3 एंड 10^-6 क्यूरीज याद रखे। सो मिली क्यूरी एंड माइक्रो क्यूरी आर 10^-3 एंड 10^-6 क्यूरीज, जिसे हम बोल सकते हैं दैट इज 3.7 × 10^7 एंड 3.7 × 10^4 डीपीएस, आई मीन डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। ये चीज याद रखो। लेकिन आज के डेट में क्यूरी हैज बिन रिप्लेस बाय रदरफोर्ड। सो क्यूरी के जगह पे आजकल हम लोग रदरफोर्ड ज्यादा प्रीफर करते हैं। सो बट नाउ अडेज क्यूरी हैज बीन रिप्लेस्ड बाय रदरफोर्ड, बाय व्हाट, रदरफोर्ड विच इज डिफाइंड एज। देखिए, रदरफोर्ड को किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, सो अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस विच अंडरगोस 10^6 डीपीएस। सो अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस विच अंडरगोस 10^6 डीपीएस, दैट इज डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, दैट इज, इसका मतलब होता है 1 रदरफोर्ड इज इक्वल टू 10^6 डीपीएस, दैट इज डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। अब SI यूनिट जो होता है रेडियो एक्टिविटी का, वो होता है बैक्विरल, ये याद रखो। सो इन SI सिस्टम, इन SI सिस्टम यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज बैक्विरल। सो बैक्विरल को हम लोग BQ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एंड रिमेम्बर 1 BQ इज इक्वल टू 1 DPS, यानी 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। देयरफॉर 1 क्यूरी कैन बी रिलेटेड टू बैक्विरल एज 3.7 × 10^10 बैक्विरल्स। सो इट वॉज ऑल अबाउट द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी।